ये क्वेश्चन हो गया था आप लोगों का कि नहीं हुआ था, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं कि ये क्या कहता है कि जैसे कि ये क्वेश्चन ऑप्शनल टाइप में आया था कि आपको ये फंक्शन प्रूफ करना था, बताना था कि ये ऑड फंक्शन है, पहला ऑप्शन ऑड फंक्शन, इवेंट फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन और नन ऑफ दीज। तो यहां से ये एक पीरियोडिक फंक्शन है लेकिन इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे आप लोगों को दिया था, तो यहां पर इसका सोल्यूशन हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि कोई पीरियोडिक फंक्शन होता है तो उसका ये मतलब है कि एक फिक्स पीरियड के बाद, कोई भी पीरियड हो सकता है उसका, जैसे कि हम साइन और कॉस ये सारे फंक्शन जो होते हैं तुमको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं कि वो एक फिक्स वैल्यू के बाद, एक फिक्स के बाद फिर से वो रिपीट करता है वैल्यू। तो ऐसे ही कि मान लो कि अगर एफ ए कुछ भी हो सकता है एन टाइम्स बोल देते हैं, तो वो अगर एफ एक्स हो जाता है तो उसको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो ऐसा हम प्रूफ करते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एफ ए प्लस एक्स माइनस, ये बी है तो बी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस बी हो जाएगा, और ये बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है टोटल फंक्शन बी क्यू प्लस वन माइनस थ्री बी स्क्वायर। तो इसमें से इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम अगर जो इसको बाद में स्क्वायर क्यूबिक करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि यहां से ये अंदर ये वन एक्स्ट्रा है, अदरवाइज तो ये बी माइनस एफ एक्स माइनस बी का ही क्यूब लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे अगर यहां से हम 3b कॉमन ले लेते हैं, 3b fx और माइनस का कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, 3 प्लस का लेते हैं 3b fx, तो यहां से बचेगा ये fx और माइनस b, और ये हमारे पास आ गया माइनस का fx का होल क्यूब और ये इसकी पावर 1/3। अब क्या करेंगे कि हम बोथ साइड क्यूबिक करेंगे, क्योंकि क्यूब कर देंगे तो ये हमारे पास यहां का पावर जो 1/3 है ये रिड्यूस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ए प्लस एक्स माइनस बी टू पावर 3 इक्वल टू क्या आएगा यहां से 1 क्योंकि एक्स्ट्रा है हमारे पास, प्लस यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे ये वाला माइनस, फिर क्या बचेगा अंदर एफ एक्स का होल क्यूब, एफ एक्स का होल क्यूब दिया गया है, यहां से ये माइनस में आ जाएगा और ये माइनस का बी क्यूब क्योंकि अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस थ्री बी एफ एक्स और ब्रैकेट में रहेगा एफ एक्स माइनस बी। तो यहां से क्या हमारे समझ में आया है कि ये हमारे पास देखो लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी, मतलब ये क्या लिखा है ए माइनस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो ये माइनस वन माइनस, और ये हमारे पास है एफ एक्स माइनस बी का होल क्यूब। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास फंक्शन जो आएगा वो आएगा एफ ए प्लस एक्स माइनस बी टू पावर 3 और प्लस एफ एक्स माइनस बी टू पावर 3 इक्वल टू 1 इक्वेशन स्टार्ट। अब देखिए बस यही तक हम अगर इसको सॉल्व कर ले जाते तो हमारे पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन हमारी गलती कहां पर थी, गलती आप लोगों ने ये किया था कि यहां पर 1 था और इसको क्यूब कर बना रहे थे, क्योंकि ये 1 तो एक्स्ट्रा था और इसके अंदर जब क्यूब बनाते तब ये पावर वहां से रिड्यूस नहीं हो पाती, लेकिन यहां पर ये 1 एक्स्ट्रा जब हमने यहां पर क्या किया कि इसको जब यहां से पावर ये 3 रिड्यूस हो गई तब आसानी से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्वेश्चन को पीरियोडिक प्रूफ करना है, तो पीरियोडिक के लिए अब हम देखेंगे एक्स को रिड्यूस करेंगे, जो इस इन स्टार इक्वेशन में एक्स को हम इंटरचेंज कर देंगे एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस ए, तब पुट कर देंगे पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इन इक्वेशन स्टार, तब देखते हैं इक्वेशन स्टार क्या चेंज हो जाएगी। एक्स के प्लेस पे जब एक्स प्लस ए पुट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा एक्स प्लस टू ए, तो एफ टू ए या ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स प्लस टू ए माइनस बी टू पावर 3 प्लस एक्स के प्लेस से पुट करेंगे एक्स प्लस ए, हमारे पास क्या हो जाएगा एफ
एक्स प्लस ए माइनस बी टू पावर 3 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन डबल स्टार। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन डबल स्टार से फर्स्ट स्टार जो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर देंगे, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन डबल स्टार माइनस सिंगल स्टार, माइनस कर देंगे इसको तो क्या आ जाएगा, जब माइनस करेंगे तो ये एफ ए प्लस एक्स जो ये वाला पार्ट है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, और यहां से वन और वन रिड्यूस होकर आपको जीरो दे देगा। तो मतलब हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस होकर आ जाएगी एफ एक्स प्लस टू ए माइनस बी टू पावर 3 और माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन के साथ आएगा, माइनस एफ एक्स माइनस बी टू पावर 3 इक्वल टू 0। हमारा समझ लीजिए क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है, समझ भी गए हैं कि हम क्या करना चाहते हैं यहां से। अब देखेंगे ये 0 के इक्वल है तो ये माइनस के जब राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एफ एक्स प्लस टू ए माइनस बी टू पावर 3 इक्वल टू एफ एक्स माइनस बी टू पावर 3, क्योंकि यहां पर क्यूब है तो यहां पर कोई नेगेटिव पॉजिटिव का आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो क्यूब से ये वैल्यू जो है 3 से यहां से रिड्यूस हो जाएगी डायरेक्टली। तो हमारे पास क्या रहेगा, एफ एक्स प्लस टू ए माइनस बी इक्वल टू एफ एक्स माइनस बी। तो हम देख सकते हैं यहां से ये बी और बी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आया कि एफ एक्स प्लस टू ए इक्वल टू एफ एक्स। अगर जो एफ एक्स प्लस टू ए इक्वल टू एफ एक्स है तो हमारा ये कैसा फंक्शन है, एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है 2a, मतलब कि 2a के बाद जो हमारा एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, और हर 2a के बाद प्रत्येक मतलब एवरी 2a के बाद जो फंक्शन हमारा होगा 2a 4a ऐसे ये रिपीट करता हुआ चला जाएगा। तो ये फंक्शन हमारा प्रूफ हो गया कि एक ऐसा फंक्शन है, एक पीरियोडिक फंक्शन है।